ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कोई नहीं भेज रहा। बहुत, बस 5-6 लोग केवल क्वेश्चन भेजे हैं कल, एक दो लोग आज भेजे हैं। सिफा ने भेजा है दोबारा। ये वाला सिक्का सही लिखा है तुमने। ये जो नेगेटिव और ये निकालते हैं ना डी, इसमें भी ऐसे किया करो, इससे ऐड सबट्रैक्ट करने में आसानी होती, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है बार बार ऐड करने में सबट्रैक्ट करने में। और सब लोग एक चीज और ध्यान दो, जब हम डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे पहले डिवाइड कर लिया करो फिर ऐड किया करो। फर्स्ट यू शुड डिवाइड देन ऐड। जब भी हम ये करते हैं डिवाइड, फ्रैक्शन में ऐड करना हो तो पहले डिवाइड करो फिर ऐड करो, इससे इजी रहेगा। अब इसमें देखो कुछ लोगों का आंसर जैसे आ रहा था 50.27, ठीक है। 50.27 कैसे आ रहा है? बिकॉज वी हैव टू राउंड ऑफ व्हेन आवर आंसर इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड। जब हमारा आंसर पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर होता है तो हमको राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी पड़ती है। बस वी गेट द वैल्यू अप टू 3 डिजिट ऑफ डेसिमल। डेसिमल यानी पॉइंट के, दशमलव के 3 डिजिट तक हम पहले आंसर निकालेंगे, एंड इफ द थर्ड डिजिट इज मोर देन 5 और 5, और तीसरी जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, तो उसको हटा के सेकेंड डिजिट वाले प्लेस में, मतलब 10th वाले प्लेस में, जो 10th पार्ट है, 10 नहीं 100th पार्ट है, सेकेंड डिजिट में पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड में, वहां पे हम एक जोड़ देते हैं, तब ये हो जाता है 50.27। स्टेप डिविएशन मेथड आज बताना है। तो इन स्टेप डिविएशन फर्स्ट वी डिवाइड द डिविएशन बाय अ कॉमन डिवाइजर। जो स्टेप डिविएशन मेथड है इसमें हम जो भी डिविएशन निकालते हैं, विचलन निकालते हैं, उसको हम एक कॉमन डिवाइजर से, कॉमन डिवाइजर का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे, मीन्स दैट कैन डिवाइड ऑल डिविएशंस। जितने भी डिविएशन वैल्यू हैं, डिविएटेड वैल्यू निकाली गई हैं, मीन्स एक्स माइनस ए करके जो भी वैल्यूज निकाली हैं उन सबको डिवाइड कर दे, ऐसा एक नंबर हम ढूंढते हैं, देन वी डिवाइड ऑल नंबर बाय दैट दैट कॉमन डिवाइजर। हम फिर उस
उस कॉमन डिवाइजर से सारे जितने भी डेविएशंस निकाले हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं. एंड दिस इज मीन्स द व्हेन वी डिवाइड द डेविएशन बाय कॉमन डिवाइजर देन इट इज नोन एज डी डैश. इसको डी डैश बोलते हैं. जब हम डेविएशन को एक कॉमन डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डी डैश बोलते हैं. ये डी डैश ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड. ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है. हेयर ए ए मीन्स अज्यूम मीन. ए जो है ये क्या है, अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन मीन्स कल्पित माध्य, काल्पनिक माध्य जो हमने पहले पढ़े थे कल. तो दिस इज अज्यूम्ड मीन. एंड सिग्मा डी डैश, सिग्मा डी डैश मीन्स इट इज द सम ऑफ डी डैश. ये सम हो गया किसका, डी डैश का सम हो गया. स्मॉल डी बनाएंगे, कोई बड़ा डी नहीं बनाएगा, कैपिटल डी नहीं. सो एंड डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी. डी डैश का मतलब डी अपॉन सी. सी क्या हुआ, एक कॉमन डिवाइजर हुआ. अब डी किसको नहीं पता है, डी तो हमने कल बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड व्हाट इज डी. डी इज डेविएशन व्हेन वी सबट्रैक्ट वैल्यू ऑफ अज्यूम मीन फ्रॉम एक्स. जब हम एक्स में अज्यूम मीन की मान को माइनस कर देते हैं तब आता है डी. अब इसके बाद एक्स बार ऑलरेडी सब एवरीवन नोस, सबको पता है एक्स बार पहले से ही. एक्स बार वही है, एक्स बार का मतलब हुआ यहाँ पे अरिथमेटिक मीन. एक्स बार होता है अरिथमेटिक मीन. दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द बुक. ये क्वेश्चन बुक में पहले से दिया हुआ है, तो हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं जो इसके लर्निंग बाय डूइंग में है. ठीक है, सब लोग वो बुक से देख के कर लेंगे अपना. सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड. अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से ये, हाँ ये स्टेप डिविएशन से नहीं होगा. सेकेंड क्वेश्चन और देखते हैं आगे. इनमें से कोई नहीं हो रहा है जो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का, वो अज्यूम मीन मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड से कोई भी नहीं हो रहा है. इसमें उसी को देख सकते हैं जो इसमें बुक में दिया हुआ है. This is the question. Household and monthly expenditure of each household is given. 10 household हैं, 10 परिवार हैं और सभी परिवारों का मासिक व्यय दिया हुआ है.
compute arithmetic mean from the following data showing monthly expenditure of 10 households by using step deviation method. So first we write the all information in first column. This information in the first column. पहले कॉलम में हम सारे ये इंफॉर्मेशन को हम शो करेंगे. मंथली एक्सपेंडिचर इज गिवन इन द फर्स्ट कॉलम 50, 60, 70, 40,000, 70,000 एक्सेट्रा. मिनिमम वैल्यू इज 10,000 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1,00,000. जो सबसे कम वाली वैल्यू है मान है वो 10,000 है, सबसे ज़्यादा वाला है 1,00,000 है. अब इनके बीच से हमें अज्यून मीन पहले एक निकालना पड़ेगा. अज्यून मीन वी कैन टेक एनीथिंग 70,000, 50,000, 40,000, 60,000 एनीथिंग वी कैन टेक. इन दिस क्वेश्चन 50,000 इज टेकन एज अज्यून मीन. यहाँ क्वेश्चन में 50,000 को अज्यून मीन लिया गया है. 50,000 इज ए, 50,000 हमारा हो गया ए. नाउ वी सबट्रैक्ट 50,000 इन एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स एवरी आइटम, जितने भी आइटम है सब में हम एक्स को माइनस वो ए को माइनस करेंगे, मीन्स अज्यून मीन्स को माइनस करेंगे. तो सबसे पहले 50,000 माइनस कर दिया. 60,000 माइनस 50,000 इज 10,000 एंड 40,000 माइनस 50,000, 50,000 इज मोर, तो आंसर विल बी माइनस 10,000. 50,000 ज़्यादा है तो माइनस 10,000 आया. 70,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000, 80,000 माइनस 50,000, सब में हमने 50,000 50,000 सब में माइनस कर दिया और आंसर जो आ गया यहाँ पे. नाउ वी विल टेक अ कॉमन डिवाइजर. ऑल दीज वैल्यूज कैन बी डिवाइडेड बाय 10,000. ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं सबको हम 10,000 से डिवाइड कर सकते हैं. तो हम 10,000 को क्या करेंगे, कॉमन डिवाइजर ले लेंगे एंड वी डिवाइड ऑल डेविएशन बाय 10,000. जितने भी डेविएशन हमने निकाले, विचलन निकाले, सबको हम 10,000 से भाग दे देंगे. 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज 1. 10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई प्लस 10,000 इज माइनस 1. प्लस और माइनस में जब डिवाइड करते हैं तो माइनस का आंसर आता है, प्लस प्लस का हो तो प्लस आंसर आता है, माइनस माइनस का हो तो प्लस आंसर आता है. 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 2, 3, माइनस 3, 4, ये सारे आंसर हमारे आ गए एक लाइन से सबको डिवाइड करने के बाद. नाउ वी विल एड प्लस इंटीजर्स सेपरेटली एंड माइनस इंटीजर्स सेपरेटली. अब हम प्लस इंटीजर्स को जितने भी धन वाले मान हैं उनको हम अलग जोड़ेंगे और जितने माइनस वाले हैं, रेड वाले हैं, उनको भी अलग जोड़ेंगे. तो प्लस वाले पहले हमको अलग करना है, माइनस वाले अलग करना है. वन इज प्लस, टू प्लस, थ्री प्लस, फोर प्लस, फाइव, फाइव फोर नाइन, नाइन एंड नाइन एंड फाइव फोर्टीन, फिफ्टीन. सो इन प्लस 15, इन माइनस 1, 4, 8, 10. इन माइनस 10, प्लस इज मोर,
प्लस वाला जो साइन है, प्लस वाले की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस विल बी माइनस, आंसर विल बी प्लस फाइव। इनका आंसर जो आया प्लस फाइव। ये क्या हुआ? सिग्मा डी डैश, सिग्मा मीन्स सम हुआ, किसका सम हुआ? डी डैश का सम हुआ, क्योंकि डी डैश को हमने जोड़ा है, ऊपर डी डैश ही दिया हुआ है। दिस इज डी डैश हो गया प्लस फाइव। नाउ वी विल राइट द फार्मूला, अब जो फार्मूला है हम वो लिखेंगे। यहाँ नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, ए अज्यून मीन, वी हैव टेकन 50,000 एज अज्यून मीन, अज्यून मीन में हमने 50,000 को लिया है, सिग्मा डी डैश इज प्लस फाइव, सिग्मा डी डैश जो आया है वो कितना आया है? प्लस फाइव आया है। नंबर ऑफ आइटम मीन नंबर ऑफ फैमिली, जो कितने परिवार थे? 10 परिवार थे। कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर जिससे हमने सारे वैल्यूज को भाग दिया है, सारी जो डी है डिविएशन यानी विचलन को भाग दिया है, तो सी से भाग दिया, 10,000 है सी, 10,000 से मल्टीप्लाई किया गया तो 10,000 और 10, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। सब लोग ध्यान से सुन लो, जब तक फ्रैक्शन नहीं कंप्लीट हो जाता है, मल्टीप्लाई या डिवीजन नहीं हो जाता है, गुणा भाग नहीं हो जाता है, तब तक हम प्लस या माइनस नहीं करते हैं। सो व्हेन वी डिवाइड 10,000 बाई 10, आंसर विल बी 1,000। 10,000 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 1,000। नाउ 1,000 इंटू 5,000 आंसर विल बी 1,000 इंटू 5 आंसर विल बी 5,000, 5,000 आंसर हो जाएगा। 50,000 ए की वैल्यू जो है वो ऐसे नीचे तक लिखते चले गए, 50,000 प्लस 5,000 आंसर इज 55,000। हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 55,000, यही हमारा आंसर हो गया, वैल्यू होगी जो हमें पता करनी थी, अरिथमेटिक मीन गणितीय माध्य का। अब बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम इसका क्वेश्चन खुद बना के भेजेंगे सबको, वो कंप्लीट करना। नाउ कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज, जब डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे में कैसे करेंगे? ग्रुप्ड सीरीज थी, फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरह की थी, सबको सुनाई दे रहा है ना? आप किसी को नहीं सुनाई दे रहा तो बता दे भाई। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरह की होती थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज। दो तरह की जो फ्रीक्वेंसी सीरीज थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज थी और एक दूसरी थी क्लास इंटरवल वाली। तो पहले डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे कैसे होता है, फिर क्लास इंटरवल वाले देखेंगे। सो इन सच टाइप ऑफ सीरीज, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एनी आइटम इज गिवन, देन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ऐसी जो सीरीज होती है, पहले किसी की वैल्यू दी होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो इसमें भी तीन तरह के मेथड हैं, दे आर थ्री मेथड्स इन डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। प्रत्यक्ष विधि, अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि और स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि। अज्यून मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट फार्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है पहले वो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अधिकतर
सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। यहाँ एफ लिखा है, एफ इज फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, एफ का मतलब होता है बारंबारता। सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एंड एक्स। एफ और एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई भी दो लेटर्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो उसको क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। सो एफ एंड एक्स आर बोथ मल्टीप्लाइड। देन सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम ऑफ एफ एक्स। पहले हमको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जोड़ना है, अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ का मतलब हो गया जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, सबका जोड़, सबका योग। सो अब यहाँ पे फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। 19 वर्कर हैं जिनकी वीकली वेज दी है। हियर वैल्यू ऑफ वेज इज गिवन इन रुपीज, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 मजदूरी दी गई है। अब मजदूरी के नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स द वर्कर्स हु आर गेटिंग ओनली 10 रुपीज, द वर्कर्स हु आर गेटिंग ओनली 20 रुपीज, द वर्कर्स हु आर गेटिंग 30 रुपीज, जो जिनको 40 रुपया मिल रहा है, जिनको 5 रुपया मिल रहा है, सारे वर्कर्स का मतलब संख्या दी हुई है, सारे श्रमिकों की संख्या दी गई है। सो फर्स्ट वी मेक फर्स्ट कॉलम, अंडर फर्स्ट कॉलम वी विल राइट ऑल द वेजेस इन रुपीज। जितनी भी मजदूरी है फर्स्ट कॉलम के नीचे लिखेंगे मजदूरी को, ठीक है, रुपीज में। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स, जितनी भी वैल्यू होती है उनको हम एक्स बोलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, एक लाइन से सबने लिखा है 10, 20, 30, 40, 50 इज गिवन। देन नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू, हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है वी विल राइट इन द सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, दूसरे कॉलम में 4, 5, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 2, 5 सारी लिख दी। नाउ वी विल ऐड फ्रीक्वेंसी टू गेट सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे जो फार्मूले में दिया है सिग्मा एफ, एंड देन वी गेट एफ एक्स। एफ एक्स अब हमें करना है टू गेट एफ एक्स, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा एफ एक्स बनाने के लिए। सो मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड कॉलम एफ एक्स इज गिवन, तीसरा जो कॉलम है उसमें एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स में क्या हुआ, एफ मल्टीप्लाई एक्स, एफ एक्स, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, जिनके बीच में कोई सिंबल नहीं होता उनमें क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स इज द मल्टीप्लाई ऑफ एफ एंड एक्स, फ्रीक्वेंसी एंड एक्स। सो 4 × 10, 5 × 20, 30 × 3, 40 × 2, 50 × 5 सारी वैल्यू को हमको गुणा करना है, 10 को 4 से, 20 को 5 से, 30 को 3 से, 40 को 2 से, 50 को 5 से। आंसर 40, 100, 90, 80, 250। नाउ वी विल ऐड ऑल वैल्यूज, अब जितनी भी वैल्यू आई है सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए, टू गेट सिग्मा एफ एक्स वी विल ऐड वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की सारी वैल्यू को हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया, आंसर आया 560। नाउ वी विल राइट द फार्मूला, फार्मूला इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ₹29.47 इसका आंसर हो गया। अब पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, देखो अपनी बुक में।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड करो, ठीक है? अज्यूम मीन से नहीं करना, डायरेक्ट मेथड से भी करना, अज्यूम मीन से बाद में जब हम बताएंगे तब करना इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड डू एवरीवन। सभी लोग स्क्रीन और ले लो इसका और शुरू कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड का। Thank you.